नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ। छत्तीसगढ़ में एक और जांजगीर चंपा जिले का विशेष शिवरी नारायण मेले का हुआ शुभारंभ। जांजगीर चंपा जिले में धार्मिक नगरी शिवरी नारायण माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ हो चुका है, जो महानदी शिवनाथ नदी और जोक नदी के त्रिवेणी संगम पर बसा धाम है। यह माँ सबरी का जन्म स्थान है और माँ सबरी ने भगवान श्री राम को यही कल्प वृक्ष के नीचे जूठे बेर खिलाए थे, जो आज भी मंदिर प्रांगण में मौजूद है, जिसे पुरातत्व विभाग ने सत्य साबित किए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ अपितु देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहीं भगवान शिवरी नारायण मंदिर में भक्तों का बड़ी संख्या आना जाना लगा रहता है और कुछ जमीन पर लोट मारते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां मां सबरी और श्री राम जी का जय घोष करते हुए दर्शन करने पहुँच रहे हैं। यह मेला पहले एक महीने का होता था, लेकिन कोरोना काल के कारण 15 दिन का होगा। वही पुलिस प्रशासन के तरफ से तैराकी व बचाव दल के साथ चाक चौबंद करते हुए सतत निगरानी कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से देवराम धीवर की रिपोर्ट। एक धर्म नगरी है, भगवान नारायण की नगरी है, इसे टेंपल सिटी भी कहा जाता है। शिवरी नारायण में माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक करीब 15 दिनों का मेला काफी पुरातन समय से चल रहा है। इस वर्ष भी मेले का आयोजन हुआ है, किंतु कोरोना को देखते हुए मेला में विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश हैं, जिसमें सर्वप्रथम बाहर स्टेट से आने वालों की कोरोना जांच होगी, तत्पश्चात मेला में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह से मेला के अंदर भी कई कोविड चेकिंग पॉइंट हैं, जहां लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। खासकर कोरोना संबंधी जांच आवश्यक है और सभी ग्रामीणों से ये निवेदन किया गया है, अनुरोध किया गया है पहले से, कि सभी मास्क लगाकर ही मेले में घूमें, सैनिटाइज का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है, बताया गया है, लोग पालन भी कर रहे हैं। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष मेले में उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और जैसा कि पहले से पुलिस की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई जाती थी, उस हिसाब से ही ड्यूटी लगी हुई है। हमारे यहाँ करीबन 150 फोर्स आई हुई है, जिसमें से 35 होमगार्ड के जवान हैं, 40 PTS से हैं और करीब 75 जवान जिले से हैं। 2 उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी प्रभार में हैं और करीबन 8 TI सब इंस्पेक्टर मिला के प्रभारी अधिकारी नियुक्त हैं ड्यूटी में, जो विभिन्न पालियों में ड्यूटी करेंगे। मंदिर परिसर में भी ड्यूटी रहेगी, मेले परिसर में भी ड्यूटी रहेगी और विभिन्न नदी घाट जो हैं, राम घाट, बाबा घाट, यहाँ भी ड्यूटी लगी हुई है। नौका बोट, दो बोट लगे हुए हैं, तैराकी जवान भी लगे हुए हैं, घाट में स्नान के समय किसी तरह के कोई डूबने उबने की आशंका न हो, बचाव दल भी लगा हुआ है और चारों तरफ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस ड्यूटी पर हमेशा दिन और रात हमेशा मुस्तैद है। खासकर पुलिस की ड्यूटी इन जगहों में जहाँ पे कोविड चेकिंग चल रही है, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी लगे हैं, वहाँ भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को जांच में सहयोग कर सके। इस तरह से ड्यूटी सतत जारी है। मैं ग्राम सोधी के रहने वाला हूँ। अब के मंदिर मैं करीब 10-15 साल से आता था और मोला अच्छा लगते यहाँ आए, मैं दर्शन करे, मन बढ़िया शांति, घर परिवार बढ़िया सुख शांति। कोई विशेषता मंदिर के? मंदिर की विशेषता बढ़िया वही दौड़ रहा था, माता नाम दर्शन करता सब मनोकामना पूरा हो, तो हम के हर मनोकामना बढ़िया सिद्ध हो जाते, एक कृपा से हमारे घर परिवार बढ़िया सुख शांति से है, कोई भी प्रकार के हमारा कमी महसूस नहीं है। ओकर नाम से हर साल कम से कम एक दिना दर्शन करे मेला में, ज़्यादा नहीं सकता।